आगामी चुनाव में अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों को मंडी में भटकना नहीं पड़ेगा, एक दिन में भुगतान मिलेगा और प्रदेश भर के किसानों का कर्ज माफ होगा, ये दावा किया है कांग्रेस के दिग्गज नेता, प्रदेश प्रभारी, चुनाव समिति मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। रीवा में एक दिवसीय दौरे पर आए सिंधिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार को कटघरे में लेते हुए तीखा प्रहार किया। सिंधिया ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियों के साथ लगातार दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रतिवर्ष लगभग 5000 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, यानी प्रतिदिन 13 घटनाएं हो रही हैं। सिंधिया ने कहा, जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दामों में कमी आई है। कांग्रेस सरकार में शिवराज दिल्ली में धरना देते थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा वैट यहां मध्य प्रदेश में लगाकर रखा है। अगर अब वह धरने पर बैठे तो कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी होगी। सिंधिया ने व्यापम घोटाला, किसानों की मौत और बिजली बिल के मुद्दे में सरकार की निंदा की। इतना ही नहीं, खनिज माफिया, पुलिस, पत्रकारों और जनता की हत्या कर रहे हैं, किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है, दो दो रुपए के चेक दिए जा रहे हैं, प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है और सरकार डिग्रीधारी बेरोजगारों को दूध और पकौड़े बेचने की सलाह दे रही है। सिंधिया ने कहा, भाजपा ने विकेंद्रीकरण किया है और कांग्रेस मध्य प्रदेश को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। मध्य प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार आती है तो किसानों को अनाज का नगद भुगतान मंडी में एक दिन में किया जाएगा, साथ ही प्रदेश भर के किसानों का कर्ज माफ भी किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर वर्तमान में जिस तरीके से केवल विंध्य क्षेत्र में नहीं लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में एक अराजकता का माहौल इस सरकार के द्वारा तैनात किया गया है, 15 साल आज मध्य प्रदेश बेहाल हो चुका है। आप चाहे महिलाओं की बात करो, जो एक एक जिले में नहीं लेकिन एक एक गांव में, एक एक वार्ड में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार का माहौल उत्पन्न हो चुका है। किसान फांसी के फंदे को चुनने के लिए मजबूर हो चुका है, नौजवान बेरोजगार हो चुका है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएं पूर्ण रूप से निरंकुश हो चुकी है, व्यापारी बेहाल हो चुका है। अच्छे दिन किसके आए हैं ये शायद केवल भाजपा के नेता जाने, जो वर्तमान में अपना भ्रष्टाचार के आधार पर पूर्ण रूप से करोड़पति से भी ज्यादा बन चुके। हमारे मध्य प्रदेश में जो महिलाओं का हाल आज हो चुका है, दर्दनाक कहानियां एक एक जिले से निकल रहे और अब हमारी केवल महिलाओं के ऊपर प्रहार नहीं किया जा रहा लेकिन अब हमारी बालिकाओं के ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है। चाहे वो ग्वालियर की कहानी हो जहां 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, मंदसौर की कहानी हो जो दर्दनाक कहानी है जहाँ सामूहिक बलात्कार 8 साल की बच्ची के साथ किया गया, चाहे सतना की कहानी हो जहाँ 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, जहाँ शहडोल की कहानी हो जहाँ 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज मध्य प्रदेश में शासन बचा है या नहीं। 5000 बलात्कारें प्रति वर्ष, मतलब 13 बलात्कारें प्रतिदिन, और हमारे मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकाल,
जिस प्रदेश में सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, उस सरकार को कुर्सी में रहने का औचित्य नहीं है। इन्होंने किसान के छाती पे गोली लगा दी, और जब हम सब लोग ने मिलकर कहा कि जैन कमीशन का रिपोर्ट सार्वजनिक करो, हमारे दबाव पे वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और उसमें सबको छुट्टी दे दी, क्लीन चिट दे दी। तो आज आपके जरिए मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं, उन 6 किसानों की मौत के जिम्मेदार कौन है? अगर एसपी नहीं है, अगर कलेक्टर नहीं है, तो क्या उन 6 लोगों के जिम्मेदार आपकी प्रदेश शासन और आप हैं? जवाब दें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो ट्रिगर दबाया है, गोली लगाई है। कौन है वो, इसका जवाब दें। जहां महिला प्रताड़ित, किसान प्रताड़ित, वहीं आज हमारा प्रदेश का नौजवान बेरोजगार। और इसमें अजय सिंह जी ने ठीक कहा कि अगर ये प्रजातंत्र की पूर्ण संविधान के आधार पर जो प्रणाली बनाई गई है, अगर उसे खत्म करने की काबिलियत नहीं है तो क्या है? और अगर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो पूरे विधानसभा को करें। क्या प्रशासन भाजपा विधायकों की गुलाम है? इसका जवाब भी मुख्यमंत्री दे। और जहां तक हमारे संभाग की बात है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सड़कें अमेरिका की तरह बन चुकी हैं। कृपा करके वे सतना से रीवा की सड़क पे चलें, जो जिस पर कल मैं चल के आया हूं। 60 किलोमीटर की सड़क मुझे 3 घंटे लगी है। 9 साल से लंबित है, कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश को हम, शहरों को हम अमेरिका की तरह बनाएंगे 5 साल में। तो मेरा सीधा सीधा प्रश्न है उनसे कि अगर मध्य प्रदेश के शहरों को आप 5 साल में अमेरिका की तरह बनाएंगे, तो कृपा करके आप प्रदेश की जनता को बता दीजिए कि आप पिछले 15 साल से क्या कर रहे थे। मैं चाहता हूँ एक न्यायपूर्ण चुनाव, जैसे भी हो न्यायपूर्ण चुनाव मैं चाहता हूँ। वोटर लिस्ट की चेकिंग हो, मशीन से हो, बैलेट पर हो, न्यायपूर्ण हो। संभाग स्तरीय कांग्रेस बैठक को लेकर रीवा दर्शन ने वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। देखिए, कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आए और सब लोग उसमें शामिल हों, उस दिशा में देखे जाए तो एक अच्छा प्रयास है। और चुनाव अभियान समिति के हमारे अध्यक्ष प्रदेश के सिंधिया जी ने सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। ये पहली लिस्ट कब तक आएगी? कल आपने इस महीने के आखिरी तक उम्मीद है कि 60-70 लोगों के नाम आ जाएंगे। थे महाराज सिंधिया ने आप लोगों को प्रेस ब्रीफिंग में सारी चीज़ें बताई, उन्होंने कुछ मार्गदर्शन उन्होंने दिया है, कुछ कार्योजना कैसे हम आगे बढ़ाएं उसके संबंध में चर्चा हुई है। कितने समाज स्तरीय सदस्य हैं, अलग अलग ब्लॉकों में जाएंगे और अपना भाग लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसी हैं, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें। आज की बैठक के बाद कांग्रेस कुछ नए रूप में दिखेगी? सक्रिय दिखेगी, सक्रिय दिखेगी। कांग्रेस यही दिखता है, कांग्रेस सक्रिय दिखेगी, यही रूप है। बाकी तो रूप कांग्रेस का, हम सिद्धांतों से समझौता करते नहीं हैं, नीतियों से समझौता करते नहीं, तो नया रूप है, सक्रियता है। सिलसिला क्या था? उससे संबंधी अभियान समिति की बैठक थी, इसमें चुनाव अभियान समिति प्रदेश अध्यक्ष सिंधिया जी और संभाग के सभी वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पर थे। कुछ रणनीति बनी है और हम समझते हैं कि जिस तरह से इस बार पूरे प्रदेश में गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की और यहाँ तक कि कर्मचारियों की भी, महिलाओं की जिस तरह से नाराज़गी है, जिस तरह से चुनाव नज़दीक आते ही नाराज़गी को भांपते हुए सरकार ने करोड़ों रुपए कर्ज होने के बाद भी जिस तरह से खजाना खोला है चुनाव जीतने के लिए, हम समझते हैं कहीं न कहीं ये फिर से छलावा करने की एक राजनीति शुरू हुई है, जो काफ़ी दुखद है।
और इस तरह का नहीं होना चाहिए। 14.5 साल में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, नौजवानों की याद नहीं आई, और जब चुनाव नज़दीक आया तो ये सरकार जिस तरह से पिटारा खोला है और ये हम समझते हैं सिर्फ छलावा है। निश्चित रूप से कोई प्रदेश स्तर के नेता आते हैं तो उस पार्टी में चाहे कोई होती है, उसी तरीके से सिंधिया जी आया, दर्शन सिंधिया दोनों लोग आए, कार्यकर्ता पूरे जिले के इकट्ठे हुए, पूरे संभाग के इकट्ठे हुए, इससे कुछ हल पा लिया। निश्चित रूप से इसका एक अच्छा चुनाव अभियान समिति की संभागीय समिति की बैठक थी जिसमें आदरणीय श्रीमान महाराज सिंधिया, हमारे संभाग के बड़े नेता श्रीमान इंद्रजीत पटेल जी, घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन राजेंद्र सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी, सारे लोग मौजूद थे। और चुनाव अभियान समिति की बैठक में जो रणनीति उन्होंने बनाई है, जिस तरीके से काम करना है, और 30 अगस्त तक जो भी उन्होंने टारगेट दिया है अभी उसको पूरा करने के लिए, रणनीति के तहत जो चीज़ें उन्होंने बताई है, जिसकी जानकारी आप लोग को नहीं दी जा सकती, वो सारी मूर्त रूप में ज़मीन पर दिखाई देगी जो 30 अगस्त तक आपको पहुँच सकता है। इस बार कांग्रेस का युवा, हमारे युवाओं के साथ कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, किस तरह देख रहे हैं? ये एक सुखद साइन है, संकेत है, जो मध्य प्रदेश में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है एक निकम्मी और निकर सरकार है, जिसने घोषणाएं की है, घोषणाओं का कहीं नरेन आपको युवा और किसान जो है रोड में दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि किसान बहुत आंदोलित है, युवा आंदोलित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समान वर्ग आंदोलित नहीं, जरूरी नहीं कि रोड में आके, लेकिन वो मतदान के वक्त अपने आक्रोश को मतदान के माध्यम से व्यक्त करें। आक्रोश पूरा समाज है, पूरा मध्य प्रदेश है, 15 साल में घोषणाओं के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, जिसकी परिणति आपको चुनाव में देखने को मिलेगी।